कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे पीसी शर्मा शनिवार को खरगोन मुख्यालय पहुंचे, सुबीजी हॉस्पिटल परिसर में घर घर जागरूकता अभियान में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ घर घर पहुंचकर कांग्रेस की विचारधारा की रीति नीतियों का प्रचार करने का आह्वान किया। उन्होंने बड़वा विधानसभा सचिन बिरला सहित अन्य कांग्रेस नेता पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा कि अच्छा है पार्टी से कचरा साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 तक कांग्रेस में ओरिजिनल डीएनए वाले विधायक रहेंगे जो 174 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाएंगे। विधायक रवि जोशी ने कहा 1 से 28 फरवरी तक कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाएगा। सदस्यता मतदाता सूची आकलन के साथ भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट होकर 23-24 का चुनाव लड़ेंगे। गुटबाजी भाजपा में चरम पर, भाजपा नेता एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जय हिंद। यहाँ आज जन जागरण अभियान का हमारा एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप है जो शाम को 5 बजे तक चलेगा और इसमें वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बवेली जी जो इंडिया टुडे आज तक भास्कर सब में रहे हैं, विशेष विषयों पर वो भी यहाँ अपनी बात रखेंगे। वहाँ से नारायण पंत जी है और अवनीश भार्गव जी जिन्होंने वर्धा में जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है नेशनल ट्रेनिंग्स उससे लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है। ये विशेष विषयों पर ये अपनी बातचीत रखेंगे, महंगाई पे बातचीत रखेंगे, बेरोजगारी पर बातचीत रखेंगे और मैं समझता हूँ ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होगा जब वो घर घर चलो अभियान में जाएंगे, जब वो जनसंपर्क जन जागरण यात्रा करेंगे तो उनको वहाँ अपनी बात रखने का, लोगों के सवालों के जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। ये है हमारा जन जागरण अभियान जो पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को 10-10 लोगों को बुलाकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये एक परिवर्तन कांग्रेस के कार्यप्रणाली में एक विशेष परिवर्तन लेकर आ रहा है। ये हमारा नेशनल प्रोग्राम है। ये कितना ही डिजिटल कर लें, आगे वाले चुनाव में डिलीट हो जाएंगे। जय हिंद। कांग्रेस के कई लोग कांग्रेस का साथ छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह होती है? ये अच्छा है, ये जितना भी कचरा है ये साफ हो जाए, ये ओरिजिनल कांग्रेस, ओरिजिनल डीएनए वाली कांग्रेस बचेगी जो 174 के साथ विधायकों के साथ 2023 में सरकार बनाई। श्वेता तिवारी को लेकर प्रदेश बयान को लेकर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ, कांग्रेस क्या कहना चाहिए? नहीं, कांग्रेस में ये है कि किसी भी अनर्गल कोई बयान देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, इनको इससे बचना चाहिए क्योंकि कोई फिल्म स्टार या कोई वो होता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं और निश्चित तौर पर जो सरकार को इसमें संवैधानिक कार्रवाई करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हमारी पुरानी योजना थी घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत 1 फरवरी से 28 फरवरी तक हमने तय करा है। निरंतर कांग्रेस का कार्यकर्ता 1 फरवरी से 28 फरवरी तक घर घर जाएगा, प्रत्येक बूथ के परिवारों के बीच जाएगा। तो उसमें कांग्रेस की सदस्यता अभियान, मतदाता सूची का आकलन और सत्यापन, भारतीय जनता पार्टी की नाकाम काम करने की शक्ति, नई जनता के बीच अविश्वास और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम पब्लिक के बीच 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जाएंगे और ये 2023 और 2024 लोकसभा चुनाव तक निरंतर घर चलो घर घर चलो अभियान हमारा चलता रहे। प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारा पूर्ववत योजना थी। 14 नवम्बर से इस कार्यक्रम की कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत करी है। प्रशिक्षण कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा है, पहले से हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते आ रहे हैं, इसलिए प्रशिक्षण हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार कार्यकर्ता साथियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया है और हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रोग्राम दिया गया है,
जैसा रवि जोशी ने बताया, दिग्विजय सिंह जी इसके ऑल इंडिया के प्रभारी हैं और मध्य प्रदेश का मैं, हमारी पूरी टीम है, युवा पटेल जी सह प्रभारी। हर जिले में एक ट्रेनिंग कैंप दिन भर का हो रहा है, आज खरगोन में, इसके पहले इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना कई जगह हो गया है। और इसमें लोगों के बीच में जाकर यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, जो अनर्गल 50 भारतीय जनता पार्टी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य बाबा साहब अम्बेडकर जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में भाग लिया देश भर, उनके वाले जो अनर्गल प्रचार होता है उस बारे में यहाँ ब्रीफ किया जाता है, उनको बताया जाता है। महंगाई कैसे बढ़ी और क्यों बढ़ी, किसके फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं और कार्यकर्ता को इक्विप्ड कर रहे हैं पूरी तरह से कि वो लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि जन जागरण, पदयात्रा, उसके बाद घर घर जाके ये सब चीज़ें बताना है और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करना है। ये उद्देश्य है इसका कि वो झूठ उनका है और सच जो हम बता रहे हैं वो है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से आज ये सब चीज़ें, बूथ विस्तार क्यों शुरू हुआ, जब उन्होंने देखा कि जन जागरण कांग्रेस का चल रहा है, घर घर जा रहे हैं और इसमें सब सत्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।